सभी को प्रेज लॉर्ड जेमिनी की अप्रैल के महीने की पावरफुल भविष्यवाणियां। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर ने स्वर्ग से दी है और आप लोगों के लिए है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो भविष्यवाणी का वरदान दे चुका है और इस्तेमाल करवा रहा है। मुंह से निकलते भविष्यवाणी पूरी होती है। ये मेरी ताकत नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, सब उसका अनुग्रह है जो बहुत आयस है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना भविष्यवाणी करना सबके जीवन पूरा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अप्रैल 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होने वाली है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा करवाएगा। आज जो परमेश्वर मुझे वचन दिया है और आज जो मुझे आत्मा में कहा है, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से बातें करता है और हमारे कानों में बोलता है। हालेलुया, ये भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से है। मेरे ऐसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भविष्यवाणी को सीरियस लिया करो, रिसीव किया करो। कई ऐसे लोग जो भविष्यवाणी को नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं करते, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है जो आदर करता है परमेश्वर उसका आदर होने देता है, जो रिसीव करता है, ग्रहण करता है परमेश्वर के जीवन में करता है। याद रखो जब अलीशा ने कहा था, जब वहां पे अकाल पड़ा था कि एक सिया मैदा इतने में और इतने में बिकेगा, लेकिन वहां जो तकिया कलाम था, यानी कि जो वहां का उस राजा का जो था साथी, उसने उसकी बात को तुच्छ जाना। कहा अगर आकाश के झुरके खोल दिया हुआ तब भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, पैरों तले नीचे मर गया दबके, लेकिन उसने अपनी आंखों से भविष्यवाणी को होते हुए देखा, कान से सुना, लेकिन उस अन्न में से खा नहीं पाया। कई बार हम अपने ही कारण भविष्यवाणी को रोक देते हैं और फिर कहते हैं हमारी जीवन भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं। तभी तो वचन कहता है कि जो भविष्यता का जन का आदर करता है वो भविष्यता बता पाएगा। हालेलुया, जो प्रभु के दास को तू जानता, भविष्य को तू जानता, वचन को तू जानता, पवित्र आत्मा को तू जानता, तो आज के बाद से भविष्यवाणियों को जब भी आपके लिए है, या तो देखो या मत देखो, देख रहे हो तो रिसीव करो। बोलो परमेश्वर मेरे लिए भविष्यवाणी पूरी हो, मैं से रिसीव करते हूँ, रिसीव करता हूँ। कई बार मैं आपको गवाही दे चुका हूँ, जिन्होंने रिसीव करा, जिन्होंने ग्रहण करा, जिन्होंने अपने दामन में इसको रखा और प्रार्थना करना स्टार्ट करा, परमेश्वर ने उनके जीवन में वक्त से पहले भविष्यवाणी को पूरा करा है। हालेलुया, आज जो अप्रैल के महीने में पर उन्हें बोला है ना, वो सर्वोत्तम है, अद्भुत है, बड़ा गॉड है। वो भविष्यवाणी है जिसके लिए सुनने के लिए बेताब है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, आज की भविष्यवाणी सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, भविष्यवाणी करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, अप्रैल का महीना लग चुका है, 30 दिन हमारे पास है। 1 मई से प्रभु का बड़ा काम स्टार्ट होने वाला है। या हालेलुया, जिस इस पापी मनुष्य को चुन के प्रभु ने इतना बड़ा काम दिया है, 1 मई से इंदौर का प्रार्थना भवन का नींव रखी जाएगी, उसकी शुरुआत होगी। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, बहुतों ने कहा भाई हम अप्रैल के महीने में भवन के लिए देंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो दे चुके उनसे भी और जो देने वाले उनसे भी पीछे मत हटना। दे चुके आपको फिर देना है, और जो देने वाले उनको ज्यादा देना है, क्योंकि बड़ा काम है। हालेलुया, मत देखना कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं, मत देखना फीस, मत देखना कुछ भी, इधर तीनों जगह से कुछ मत देखना, परमेश्वर तीनों जगह का भर देंगे। सिर्फ आपको प्रभु के भवन को देखना है, जो सीरियस रहेगा ना परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर उसके लिए सीरियस रहेगा। क्यों मेरे मन में प्रभु डालता है कि बहुत घर ऐसे जो अपना सोना क्यों कह रहा है प्रभु, क्योंकि वो गवाही आने वाली है जो परमेश्वर के भवन के लिए देंगे। हालेलुया, क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि वो चीज बेकार पड़ी आपके घर में, उसकी वैल्यू नहीं है उस समय, और परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे गवाही बार बार मेरे कानों में आती है, मैं कोई भी बात ऐसा नहीं करता। मेरे परमेश्वर ने मुझे खुद कहा है कि बेटा बहुत सारी बहन है, बहुत सारे भाई है, जो अपनी चीजें रख कर आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको डर लगे, अरे कहीं गलत तो नहीं है, गलत नहीं है ये, मेरे परमेश्वर ने कहा है। क्या लिखा है, चांदी तो मेरी, सोना तो मेरा है। हालेलुया, कई बार हो सकता है कि आप करने वाले हो ये और आप पीछे हट जाते हो। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने मेरे पापा को कहा था, जब मुंह मिठा करना था कलीसिया का, पैसे नहीं थे, प्रभु ने कहा अगर तू दवाई के लिए लेता, डॉक्टर देता तब भी तो लेता, इंतजाम करता, वैसे मेरे लोगों को खिला। तो मेरे पापा ने कहीं से पैसे लेकर खिलाया और 24 घंटे बाद प्रभु ने दे दिए 1000 रुपए का 14000। इमेजिन करो वो परमेश्वर क्या कर सकता है। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है आप लोगों से, पीछे मत हटना, जो दे चुके उनसे भी और जो देने वाले उनसे भी, कुछ भी करना पड़े परमेश्वर भवन। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी ब्लेसिंग लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे आवाज आती है वो गवाही, जिसने
परमेश्वर के दास के लिए अपने सोने की चीज गिरवी रखी 5,000 में, क्योंकि मुझे 4,800 की जरूरत थी। मैंने कहा नहीं, आत्मा में था मैं और परमेश्वर के साथ था जब मैं नया नया जन्म हुआ था मेरा। और 9 तारीख को उसने पेमेंट करी और 10 तारीख को मेरी किस्त करनी थी, और उसी महीने खत्म भी नहीं हुआ परमेश्वर ने 1,00,000 का सोना दिया था। जो चीज हम देते हैं वो वापिस देता है परमेश्वर, बढ़ा के देता है। वचन कहता है अपनी अनमोल वस्तु धूल पर डाल दे। कब डाल दे? जब परमेश्वर के लिए कोई काम करना हो। हालेलुया। तो तैयार हो जाना या अप्रैल के महीने में परमेश्वर के लिए अपनी आंख में आंखें खोलकर और संसारिक आंखें बंद करके, चिंता की आंखें बंद करके, अरे मैं ये दे दूंगा तो मेरे घर में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, मेरा परमेश्वर गारंटी लेता है आपके घर की। आप उसके भवन की गारंटी ले रहे हो, मेरा परमेश्वर आपके घर की गारंटी लेता है। हालेलुया। फैसला आपका है। शैतान में हम बड़े जल्दी कुछ ना कुछ दे देते हैं, जीवन दे देते हैं, जीवन दे देते शैतान को, अपना शरीर दे देते हैं, फिजिकल हो जाते, पाप करते हैं। जब परमेश्वर देने आते हैं तो शैतान वहां पे हाथ लगा देता है। इस हाथ को आपको हटाना है शैतान के और आगे बढ़ना। मैं हर एक बहन हर एक भाई से कहना चाहता हूं, आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो भी तेरा दास ने बोला उन्होंने सुना और ये करेंगे और बरकत पाएंगे और वचन के द्वारा हमसे आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अप्रैल महीना परमेश्वर क्या दिया, निकालेंगे वचन नेहमिया 8:10। इस वचन की भविष्यवाणी है, ये वचन हमारे आपके जीवन पूरा होने वाला है अप्रैल के महीने में। नेहमिया 8:10 लिखा है, फिर उसने उसे कहा, फिर कह रहा परमेश्वर आपसे, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। क्या बात है, अप्रैल के महीने में आपको परमेश्वर तृप्त करा चिकने भोजन से। चिकना भोजन का मतलब क्या है? आनंद, हसोल्लास, फंक्शन परमेश्वर के लिए, यानी कि अच्छी खबर है, आनंद होना। हालेलुया। जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, यानी कि आपकी चिंता जाती रही, आप खुशखबरी दे रहे हो, खुशखबरी घर में आ रही, मुंह मीठा कर रहे हो, जूस पी रहे हो और रस पी रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। जो आपके पड़ोसी है, जो मसीह में नहीं बनते, उनके लिए तैयार नहीं है चिकना भोजन, वो दुख में उनको सुनाओ, कहो देखो हमारे साथ परमेश्वर कितनी भलाई करी है, आओ हमारे साथ भोजन करो, आओ हमारे साथ इस पार्टी में शामिल हो। सांसारिक पार्टी नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना मीटिंग पार्टी। हालेलुया। प्रार्थना मीटिंग में शामिल हो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके लिए पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया पवित्र है, और उदास मत रहो। आज से आपकी उदासी आउट, यीशु मसीह का नाम है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ खड़ है। आज मेरा परमेश्वर का आनंद आपके आ रहा है। आज आपका शोक, आपका विलाप जाता रहा, आपकी उदासी जाती रही, ये महीना आनंद का है, ये महीना परमेश्वर के आनंद का है, आपकी जिम्मे आ रहा है। चिकने भोजन का है, हसो उल्लास का है, मेरा परमेश्वर ने कहा है और आपने सुना है और उसे रिसीव किया है, तो ये आपके जीवन में पूरा होने वाला है। बोलो आमीन, जिसे विश्वास है बोले आमीन। और प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पावरफुल भविष्यवाणी के लिए, जो मेरी ओर से नहीं सिर्फ आपकी ओर से वर्ड ऑफ गॉड है, और ये पूरी होगी पिता परमेश्वर इनके जीवन में। मैं घोषणा करता हूँ ऐसा हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और एक इंसान इस भविष्यवाणी को सुन के आरा से चल गया, नाचने छोड़ने लगा है पिता। हाँ मेरे पिता, अप्रैल के महीने में आज हर किसी का जुआ तोड़ोगे, उदासी हटोगे, कर्जे मुक्त करोगे पिता। हसोल्लास का महीना है, आनंद का महीना, नाचने का महीना है पिता परमेश्वर। चिकने भोजन से, मीठा से ये महीना तृप्त होगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस भवन के लिए जो तैयार हो रहा है पिता परमेश्वर, जिसकी नींव रखी जाएगी। एक महीना हमारे पास है, तो क्षेत्र में दुनिया बनाता है मैं जानता हूँ, तो खड़े करेगा उस मनुष्य को जो कंधे से कंधा मिलाकर इस भवन की तैयारी करेंगे, उनके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। वो आपका भवन बनाए, आप उनका घर बनाओगे, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ हर एक दान देने वालों के लिए, हर एक अपनी चीजें देने वालों के लिए, बहुत ऐसे काटने वाले मैं वो वर्ड है वो ऐसा काटने वाले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने फिर से याद दिलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ भवन बनने के लिए, धन्यवाद करता हूँ सारी भेंट आने के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग को, इस भविष्यवाणी को उनके जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए। धन्यवाद करता हूँ अभी से पिता, अपने घर से लेकर बाहर तक सारी उदासी हटा दी। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, जिससे विश्वास है बोला आमीन। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। ये पूरे महीने मुझे अनाउंसमेंट करनी है, जब तक करूंगा जब तक परमेश्वर मुझसे कहेंगे, जब मेरे पास
भवन का पूरा काम हो जाएगा। मैं धन्यवाद परमेश्वर, आपको थैंक्स गिविंग आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, ये परमेश्वर को मैं अभी से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके लिए आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।